So hello and welcome people, this is Rankar Anjaneya Saroy and you guys are watching me Starlet Entertainment and I'm back here again with another interesting update from the world of television. Khabar hai Sandeep Sikand ko leke, batana chahe Big Boss jabhi bhi aata hai har season mein unke jo opinions hote hain, jo unke takes hote hain, घर में हो रहे इंसिडेंट्स के ऊपर, कंटेस्टेंट्स के ऊपर हर बार ऑन पॉइंट और टॉप नॉच रहते हैं। साथ में बताना चाहें लास्ट ईयर सलमान के साथ ऑन स्टेज भी थे जब प्रीमियर की रात थी उस दिन, बताने के लिए कंटेस्टेंट्स को उनका फीडबैक, साथ ही साथ उससे सवाल करने के लिए एज ए जूरी मेंबर प्रेजेंट थे स्टेज पे। इस साल भी उनका काफ़ी स्ट्रांग ओपिनियन आया है ईशा मालविया को लेके, बताना चाहेंगे आपको। ईशा मालविया के ऊपर उन्होंने कहा कि शी इज़ सेटिंग एन रॉन्ग एग्जाम्पल, इस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि जिस तरह से उन्होंने जब घर में एंट्री करने वाली थी, एंट्री करने से पहले उन्होंने अभिषेक कुमार के ऊपर फिजिकल वॉयलेंस का उन्होंने आरोप लगाया था और काफ़ी बोला था कि बिकॉज अभिषेक कुमार उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे और काफ़ी फिजिकली वॉयलेंस करते थे उनके साथ। और फिर कहीं ना कहीं घर में आने के बाद, रिशो शुरू हुए 2-3 दिन ही हुए हैं, उसके बाद जब बिग बॉस ने पूछा कि आप अभिषेक को दिल के कमरे में बुलाना चाहेंगी जिसमें ऑलरेडी ईशा रह रही हैं, तो उन्होंने बिग बॉस से एग्री किया था और बोली थी कि बुलाना चाहूँगी, साथ में ही जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दूरियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूरियाँ कम करके ही वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो पाएंगी, ऐसा कुछ कहना था ईशा मालविया का। तो इस पर टेक लेते हुए बताया है संदीप सिकंद ने कि काफ़ी गलत एग्जाम्पल सेट कर रही हैं अगर ऐसा कुछ वाकई में हुआ है अगर उनके साथ, तो या फिर जो चीज़ें बताई गई वो सारी रही हैं झूठ। तो क्या कुछ कहना है आपका पूरे मामले में, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही ऐसी और भी अपडेट्स को देखते और सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मी स्टारलेट एंटरटेनमेंट को।